सुप्रभात बच्चों बच्चों आज हम गुलमोहर पुस्तक का पार्ट 14 पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों पर्यावरण का अर्थ होता है अपने आसपास का वातावरण, और प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित करना। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। आज हम सभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं, यानी कि हमें बड़ी परेशानी हो रही है कि हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है। पिछले 3 दशक से, यानी कि पिछले 3 दशक 30 साल से, 1 दशक में 10 साल होते हैं, तो यानी कि 30 साल से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है। समय पर वर्षा नहीं होती तो क्या होगा, फसलें सूख जाती हैं, और कई बार वर्षा इतनी हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, और इससे हमारे जन धन की अपार यानी कि बहुत ज़्यादा हानि होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकृति के इस असंतुलन में मनुष्य का ही अपना हाथ होता है, यानी कि मनुष्य की ही बड़ी सहभागिता होती है जो मनुष्य अपने काम से किसी चीज़ को दूषित कर रहा है, यानी कि वो उस काम में उसका सहयोग दे रहा है। तो प्रदूषण को कहीं ना कहीं हम यानी कि मनुष्य ही तो बढ़ा रहे हैं। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए समझते हैं कि प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। वायु प्रदूषण, वायु में देखो बच्चों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें अगर उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगी तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। इसीलिए वायु में इन सभी गैसों का उचित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। प्रदूषित वायु केवल हानिकारक ही नहीं होती बल्कि घातक भी होती है। घातक मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, वायु शुद्धि वनस्पतियों पर अवलंबित है, यानी कि वायु हमारी जब शुद्ध हो सकती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हों। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती है, यानी कि वायु प्रदूषण स्वयं कम हो सकता है अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ पत्तियों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं, मतलब मीन्स छेद होते हैं, जिनके दोनों रक्षक कोशिकाएं होती हैं, जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। देखो बच्चों, इसको देखो, पेड़ पौधे को, ठीक है, और इसके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में रूपांतर हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल देती है और वो हमारे लिए अच्छी रहती है। इसलिए पेड़ पौधे भी हमारे लिए ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराते हैं। फिर भी मानव ने अपने तुच्छ स्वार्थों को पूरा करने के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है। मतलब अगर हम वृक्षों को काटते रहेंगे तो वायु प्रदूषण तो फैलता ही रहेगा। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं, बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और विभिन्न प्रकार के वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हृदय रोग यानी हार्ट अटैक आदि के विभिन्न रोग हो रहे हैं। इसलिए हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो धुआं निकलता है, जो फैक्ट्रियों से कारखानों से धुआं निकलता है, उसके लिए हमें ऊंची ऊंची चिमनियां लगानी पड़ेंगी।
ताकि धुआं ना फैल सके। देखो बच्चों, कारखानों से धुआं फैलकर कितना हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है। देखिए कार को, देखिए वाहनों को, देखिए किस प्रकार वाहनों से भी धुआं निकलकर वायु को प्रदूषण कर रहा है, यानी वायु प्रदूषण फैल रहा है। तो बच्चों, इसके लिए भी हमें कुछ उपाय करने होंगे ताकि वायु प्रदूषण ना हो सके, है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कारखानों में ऊंची ऊंची चिमनियाँ बना सकते हैं, है ना। और वाहन का जब हमें ज़्यादा ही ज़रूरत हो तब हमें वाहन का प्रयोग करना चाहिए, और हमें समय समय पर अपने वाहन को ठीक भी करवाते रहना चाहिए। आगे देखिए, आगे है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, यानी कि जब जल में गंदगी फैलती है तो जल दूषित होना शुरू हो जाता है, तो जल प्रदूषण होता है। विभिन्न उद्योग धंधों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के नदियों में मिलने से जल दूषित हो जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उसमें से जो वेस्टेज निकलता है, जो रासायनिक पदार्थ निकलता है और वो नदियों में मिल जाता है, तो जल दूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त जहाज़ों को समुद्र में धोने से और जो भी अवशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाते हैं, इससे भी जल दूषित हो जाता है। क्योंकि अवशिष्ट क्या होते हैं बच्चों, अवशिष्ट होते हैं बचा हुआ, बेकार, अगर वो पदार्थ हमारे जल में मिल जाएंगे तो जल दूषित हो जाएगा। जल प्रदूषण का प्रभाव न केवल जल में रहने वाले जीवों पर पड़ता है, बल्कि इसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जल प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रदूषण में गंदगी आँखों से दिखाई देती है, इससे हमें पता चलता है कि ये जल प्रदूषित है, ठीक है। और जबकि दूसरे प्रकार में वह हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि देखो बच्चों, अगर हमारे पानी में कोई छिलका या कुछ भी गंदगी पड़ी है तो हम देख सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी साफ होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन पानी तो वो भी अशुद्ध होता है ना। तो आगे देखिए, प्रदूषित जल के लगातार सेवन से हृदय, गुर्दे, हड्डी, दांत, फेफड़े तथा रक्त संबंधी अनेक रोग जन्म लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आंतों में जलन पैदा करता है और फ्लोराइड से हड्डियां तथा दांतों का क्षय होना, यानी कि टूटना, खत्म होना शुरू हो जाता है। प्रदूषित जल में कैडमियम, सीसा, पारा आदि भी मिले होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और ये मानव शरीर पर विषैला यानी कि हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसके सेवन से जोड़ों में दर्द, गुर्दे, हृदय तथा स्नायु तंत्र में भी विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि अगर हम बेकार जल, दूषित जल पिएंगे तो हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमें तरह तरह की बीमारियाँ भी